हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा। सपोज आपको कोई इमेज रिसीव हुई जिसमें से आपको डेटा फेच करना है, लेकिन डेटा फेच ना होने के कारण आपको उसे वन बाय वन लिखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इमेज से डेटा को फेच कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर और किसी एडिंस के। सो चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं हूं सुनील रावत और आप देख रहे हैं ट्रेजर टुडे चैनल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम इमेज विदाउट एनी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर। सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये एक रियल जॉब क्वेरी है जो कि मुझे रिसीव हुई थी लास्ट वीक अपने ही ऑफिस में। सो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। सो क्वेश्चन नंबर वन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज OCR। सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, OCR यहाँ पर स्टैंड करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को, जिसकी सहायता से हम स्कैन कॉपी या किसी इमेज से डेटा फैच कर सकते हैं, वो भी एडिटेबल फॉर्मेट के साथ। ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एट टाइम्स जब आपके पास कोई डेटा हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में हो एंड या आपको वो डेटा मैन्युअली सिस्टम पे अपडेट करना हो। फ्रेंड, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू, हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम इमेज थ्रू वन नोट। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो वन नोट है वो एक MS ऑफिस की एप्लीकेशन है और ये सपोर्ट करता है OCR को। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि कैसे आप वन नोट की सहायता से अपने इमेज से डेटा को फेच कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वन नोट पर। सो वन नोट हमारा यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आइए और अपनी इमेज को पेस्ट कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इमेज कॉपी कर रखी है, सो मैं सिंपली यहाँ पर जो है इसे पेस्ट करने वाला हूँ। सो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इमेज हमारी निकल के यहाँ पर जो है आ चुकी है और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब अगर आपको यहाँ पर डेटा फैच करना है तो आपको क्या करना होगा, इस पर सिंपली राइट क्लिक करना होगा और थर्ड ऑप्शन मिलता है आपका, यहाँ पर आपको कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर। तो इस पर सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपको इस डेटा को अपडेट करना हो या फिर पेस्ट करना हो, आप सिंपली जाइए उस एप्लीकेशन पर और इसे पेस्ट कर दीजिए। चलिए हम जाते हैं MS Word पर। MS Word हमने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं कि जो डेटा हमारा इमेज में अवेलेबल है वो यहाँ पर आता है या नहीं। चलिए कंट्रोल वी कर देते हैं। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो हमारा रिजल्ट है वो एग्जैक्टली 100% करेक्ट आ चुका है। बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज। चलिए चलते हैं वन नोट पर और फिलहाल हम इसे यहाँ पर डिलीट करने वाले हैं और अब इसके एक दो एग्जांपल और लेते हैं जो कि रिलेटेड हैं MS Excel के डेटा से, क्योंकि ये जो क्वेरी थी मुझे रिसीव हुई थी MS Excel के ही रिगार्डिंग, जिसमें मेरे से पूछा गया था मेरे ही एक फ्रेंड ने, मेरे ही कलीग ने, कि उनको एक ईमेल के थ्रू डेटा रिसीव हुआ था कुछ अकाउंट नंबर का। सो वो उसे अपडेट करना चाहते थे एक्सेल में, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पर जो एक डमी डेटा लिया है जो कि है एम्प्लॉई ID के रिगार्डिंग। फ़िलहाल मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। हमने इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ पर इमेज को और फिलहाल अब कॉपी करते हैं एम्प्लॉई ID के इमेज को। ये इमेज हमने कॉपी कर ली, जाते हैं वन नोट पर और सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये इमेज आ चुकी है जिसमें एम्प्लॉई IDs हैं। सपोज़ ये डेटा आपको इमेज के थ्रू रिसीव हुआ है और आपको पेस्ट करना है, इसे अपडेट करना है एक्सेल पर या आप किसी भी एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर। क्लिक कर दीजिए इसे और सपोज़ इसे आपको फिलहाल अपडेट करना है MS Excel पर। चलिए चलते हैं MS Excel पर और यहाँ लेट सपोज हम पेस्ट करते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं रिजल्ट हमारा निकल के आ चुका है। जो भी डेटा हमारा इमेज में अवेलेबल था पूरा 100% करेक्ट रिजल्ट इसका आ चुका है। ये तो बात हुई कि यहाँ पर जो डेटा था हमारा सिर्फ एक कॉलम पर था, लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम्स के साथ हुआ, मल्टीपल रोज के साथ हुआ, इससे थोड़ा लार्ज डेटा हुआ, तो फिर क्या इसका रिजल्ट आएगा। चलिए उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर और एक इमेज हमने यहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाते हैं वन नोट पर और सिंपली पुरानी इमेज को यहाँ पर मैं डिलीट करने वाला हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं कंट्रोल वी।
तो इस तरीके से आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये एक्सेल का एक डेटा है, एक डमी डेटा मैंने बनाया हुआ था और इसको हमने यहाँ पर कर दिया है कंट्रोल वी करके पेस्ट। सो अब सिंपली क्या करना है हमें, हम यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, थर्ड ऑप्शन मिलेगा हमें कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर का, इस पर हम क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद आपको लेट सपोज इसे अपडेट करना है एक्सेल पर, सो एक्सेल पर हम इसे अपडेट कर देते हैं। एक्सेल पर गए और चलिए चलते हैं नेक्स्ट शीट पर। सो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये एक रियल जॉब क्वेरी है जो कि हमें रिसीव हुई थी लास्ट वीक। सो मैं यहाँ पर इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल वी। सो कंट्रोल वी हमने कर दिया, डेटा आपका कुछ एक सिंगल कॉलम में आया है लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्ट डेटा अपना फॉर्मेट करना होगा। चलिए हम यहाँ से अपने डेटा को जो है अपना कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने नेम ले लिए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेटा पर जो कि है हमारा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट हमने ले लिए और यहाँ पर इसे कंट्रोल वी कर दिया और उसके बाद बची है यहाँ पर सेल्स। सेल्स हमने ले लिया और इसको हम सिंपली यहाँ पर जो है पेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि डेटा हम कॉपी कर रहे हैं लेकिन यहाँ से हटके वहाँ पेस्ट हो रहा है और डेटा हट जा रहा है। सो यहाँ पर मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ इसे, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल एक्स कर रहे हैं और उसके बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप डेटा आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, जस्ट इस पे आपको अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। आप सिंपली इसे फॉर्मेटिंग दे दीजिए, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे डेटा आपका यहाँ पर एकदम सही तरीके से आ चुका है। आपको कलरिंग करनी है, यहाँ पर आप कलरिंग कर दीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर दीजिए। लेकिन आप सोचिए अगर आपको ये डेटा मैन्युअली अपडेट करना पड़ता तो कितना टाइम आपका यहाँ पर वेस्ट होने वाला था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जो डेटा हमारा निकल के आ गया है। मैं आपको एक बार इमेज दोबारा दिखा देता हूँ। सो ये रही इमेज, ये देखिए। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप सेम टाइम पे वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका डेटा यहाँ पर एग्जैक्टली एक्यूरेट यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो देखिए कितना बेनिफिट है यहाँ पर इस चीज़ का। चलिए अब चलते हैं इस पर कुछ एग्जांपल और लेते हैं और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर पूछा गया है हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम इमेज थ्रू गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स। सो इस सुविधा का आप यूज़ कर सकते हैं गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स के थ्रू भी। तो चलिए हम चलते हैं गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक अकाउंट अपना लॉग इन करा हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपल गूगल ड्राइव पर आइए अपना और यहाँ पर आपको जो स्टोरेज मिलती है 15 GB की मिलती है। आप अपना जो डेटा है अपना यहाँ पर इस ड्राइव पे रख सकते हैं 15 GB तक का। आपको जाना है यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है फाइल अपलोड पे आप क्लिक करते हैं और फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। लेट सपोज हम लेते हैं एम्प्लॉई आईडीज का, क्लिक कर दिया हमने। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉई अपलोडिंग आइटम 1, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो अपलोड हो रही है। इस तरीके से इमेज यहाँ पर निकल के आ चुकी है, फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो ये इमेज आ चुकी है और इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर दिया आपने, ओपन विद में जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपका गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स पे आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होती हुई दिखेगी यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये आपके नेट पर डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा आपका नेट है वो कितना स्पीड में चल रहा है। तो फिलहाल ये डेटा हमारा यहाँ पर अब निकल के आने वाला है। टॉप पे आपको मिलेगा आपकी इमेज और बॉटम पे उसके मिलेगा आपको उसका डेटा जो इमेज से फैच होके आया होगा। चलिए हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से ये डेटा आपका निकल के आ चुका है। ये यहाँ पर आपको मिला है हॉरिजॉन्टली, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गूगल ड्राइव पे आपको जो आपका वन नोट था वहाँ पर आपको वर्टिकली मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आपको हॉरिजॉन्टली मिल चुका है। आप सिंपली यहाँ से कॉपी करिए और इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं आंसर आपका निकल के आ चुका है। लेट सपोज अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं किसी, ये तो नंबर की बात हुई लेकिन टेक्स्ट पे इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, दोबारा जाते हैं यहाँ पर न्यू पर और फाइल अपलोड्स पे गए और यहाँ पर हम इसको लेते हैं टेक्स्ट पे, टेक्स्ट इमेज पे हम इसे एग्जांपल को लेके देखते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे
अपलोडिंग वन आइटम यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है, अपलोड हो चुकी है। सिंपली आप यहाँ पर इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, ओपन विद में जाएंगे, गूगल डॉक्स फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको गूगल डॉक्स का, आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर प्रोसेसिंग होती हुई आपको दिखेगी। आप वेट कीजिए थोड़ा सा, थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पर आपका जो डेटा है, आपका आंसर वो निकल के आ जाएगा। टॉप पे आपकी होगी इमेज जो कि आपने यहाँ पर ली होगी, और उसके नीचे बॉटम में आपको उसका जो टेक्स्ट फेच होके आया होगा उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज। सो सेम टाइम पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा आंसर भी निकल के आ चुका है, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल और लेके देखते हैं अपनी टेबल का। मींस हमने ये एग्जाम्पल तो ले लिया, अब लेट सपोज टेबल को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जाते हैं न्यू पर, और न्यू पर जाने के बाद आप यहाँ पर फाइल अपलोड्स में जाएंगे, और यहाँ से हम अब लेनी है हमें इमेज। इमेज को हम यहाँ पर जो है कॉपी करने वाले हैं। सो इस तरीके से हम इमेज यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपलोडिंग वन आइटम। सो इस तरीके से यहाँ पर ये इमेज निकल के आ चुकी है। आप इसे सिंपली राइट क्लिक कर दीजिए, ओपन विद में जाइए, गूगल डॉक्स में। सो आपको यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से ये प्रोसेसिंग करनी है। बहुत ही इजी है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका कितना टाइम इस सुविधा ने, इस फैसिलिटी ने, इस फीचर ने बचा दिया है। सो आप दोनों एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, अपना वन जो आपका वन नोट है उसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप गूगल ड्राइव को भी। सो इस तरीके से आप जैसे कि देख पा रहे होंगे टॉप पे इमेज दिख रही है आपको, और बॉटम पे उसका जो है रिजल्ट आ चुका है। सो इस तरीके से आप जैसे कि देख पा रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, प्रोडक्ट, सेल एरिया। सो सबसे पहले आपको जो है एम्प्लॉय आईडी आएगी 101 थॉमस के नाम से है एम्प्लॉय आईडी। प्रोडक्ट है उनका बुक, और उनकी जो सेल हुई है वो 15,000 की हुई है, और एरिया नॉर्थ है। चलिए चेक करके देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एम्प्लॉय आईडी में 101, नेम में थॉमस, और प्रोडक्ट है बुक, और सेल्स है इनकी यहाँ पर 15,000 की, और एरिया है नॉर्थ। तो इस तरीके से ये डेटा यहाँ पर निकल के आ चुका है। सो फ्रेंड देखिए कितना इजी है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो सॉल्व हो गई है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा व्हाट इज़ OCR एंड हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम इमेज थ्रू वन नोट एंड हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे MS Excel की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, वंदे मातरम।